दिल्ली विधानसभा बजट सत्र पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी। सर, किस तरह का इस बार बजट सत्र पूरा कार्यकाल रहा है? देखिए, बजट सत्र काफी उत्साहित रहा। लगभग डिफरेंट बजट पर ही 29 विधायकों ने, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, भाग लिया चर्चा में। आउट ऑफ 70 29 का भाग लेना अपने आप में एक अचीवमेंट है। अन्य विषयों पर भी, चाहे वो राज्यपाल का भाषण रहा हो, विधायकों ने खुलकर भाग लिया। स्टार क्वेश्चंस भी हुए, 280 भी हुए। अनेक समस्याएं आई, जिसमें 280 में भी मंत्रियों को, उनको लगा ये 280 जायज है। कुछ 280 के मंत्रियों ने जवाब भी दिए, एक स्वस्थ परंपरा लगी। बजट की जहां तक बात है, बजट अपने आप में ऐतिहासिक बजट था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में या कभी राजनीतिक जीवन से पहले विद्यार्थी जीवन में किसी सरकार ने रोजगार को लेकर बजट प्रस्तुत किया हो जिसका नाम रोजगार बजट रखा हो, इतिहास के पन्ने को पलटेंगे नहीं मिलेगा। और इतना नहीं कि नाम के लिए रोजगार बजट रखा हो, उसमें रोजगार बजट के अंदर अलग अलग विभागों में कितनी नौकरियां जनरेट होंगी उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बजट 69,000 करोड़ से 75,800 करोड़ विपरीत परिस्थितियों में आना, यानी लगभग 6,800 करोड़ का बजट बढ़ना, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया कि उनको कश्मीर जो फाइल्स थी उस पर चर्चा करने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया, कम समय मिला। कश्मीर फाइल चर्चा करने के लिए नहीं दिया गया, ये उनका गलत आरोप है। जितना वो बोले हैं, काफी कुछ बोले हैं। और उसी विषय को हमने सत्ता पक्ष की ओर से आया हुआ था कश्मीरी पंडितों को लेकर चर्चा, फिल्म भी कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी और कश्मीरी पंडितों की पर चर्चा सत्ता पक्ष की ओर से भी नोटिस आया हुआ था। कश्मीरी पंडित पर चर्चा करवाई, उसमें उन्होंने अपना विषय वो रखा है, फिल्म का भी विषय रखा है उसमें। उनका यूरोप तथ्यों से परे। दूसरी बात, विपक्ष भाग गया, अपनी बात कह करके भाग गया। जब वास्तविकता सामने आई, फिल्म बनना, फिल्म बनाना, उसका डिस्क्लेमर क्या है मुझे नहीं मालूम, ना मैंने देखी कितनी वो तथ्यों पर है नहीं है, मैं उस पर विषय पर नहीं जा रहा। लेकिन वास्तविक जो तथ्य हैं, 1990 में जब कश्मीरियों पर अत्याचार हुए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। उस वक्त जगमोहन माल गवर्नर थे, केंद्र में इनकी समर्थित राज्य सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया? आज ये घड़ियाली यहाँ सुबह रहे हैं। पलायन किया, मकान फूंक दिए गए। मेरे एक मित्र है मिस्टर कुलदीप चक्कू, मैं उनके मकान को देखने गया, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मकान को फूंक दिया गया। ये जो घटनाएं घटी हैं, केंद्र सरकार उस वक्त आंसू आज बाहर ही आंखें बंद किए बैठे, चलिए घटना घट गई। उसके बाद उन विस्थापितों को जो देश के अलग अलग प्रांतों में चले गए, उनके रोजगार की चिंता, वो अपना जीवन यापन कैसे करें, नहीं किया इन्होंने। अनेक प्रदेशों में इनकी सरकारें थी, अब हमारी सरकार आई। दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, वहां से आए हुए 200 से अधिक अध्यापक, वो टेम्परेरी थे, उनको तनख्वाहें बहुत कम मिल रही थी। इस सरकार ने, केजरीवाल की सरकार, उन अध्यापकों को परमानेंट किया, 200 से ज्यादा टीचर, और ये स्वीकार किया कश्मीरों ने, और अनेक सुविधाएं उनको दी। और इतने साल में वो विस्थापित घूम रहे हैं, 7 साल तुम्हारी अपनी सरकार को हो गए, ये विषय जब उठा तो उनको परेशानी महसूस हुई। 7 साल में आप विस्थापित नहीं किया किसी एक भी कश्मीरी पंडित को। चलिए, पीछे कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, कुल मिलाया जाए 7 साल, और अटल जी की सरकार 6 साल, 13 साल हो गए। उन 13 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित आप स्थापित नहीं कर सके, उनको उनके प्रांत में वापस नहीं भेज सके।
इसकी चर्चा होती है तो परेशानी महसूस होती है। केजरीवाल जी ने यही तो कहा भाई फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, पूरा बच्चा देखेगा, चैनलों पे दिखा दो, आप दिल्ली दूरदर्शन पे दिखाओ, सब देखेंगे। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उससे पैसा कमाई का एक साधन बना, 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी, आगे भी कमाई हो, ये अलग अलग चीजें समझ नहीं आती। शनिवार को भी इस बार सेशन बुलाया गया पहली बार, क्या जरूरत पड़ गई कि शनिवार को भी सेशन रखा गया? वो मैं क्लियर कर चुका हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर दोबारा बोलने का कोई लाभ नहीं, तो सरकार का अपना एजेंडा है, उन्होंने उस एजेंडे में बिजनेस ज्यादा दिखाई दिया, इसलिए शनिवार को कॉल करके और बजट प्रस्तुत किया। आपकी एक पुस्तक का उसका विमोचन भी हुआ, क्या ये आम पब्लिक भी मार्केट में होगी? नहीं, मार्केट में पुस्तक नहीं होगी, केवल विधानसभा में होगी, ये विक्रय हेतु पुस्तक नहीं है। जो इन विषयों में संवैधानिक विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं उनको उपलब्ध रहेगी, वो ले सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, कैमरामैन मुकेश के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।